सब्सक्राइब कीजिए लखेपुर टीवी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए नई अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में आपने दो शों और उनकी पहचान के बारे में जाना था। प्रकृति निर्धारक प्रश्नोत्तरी या क्विज से आप जान गए होंगे कि आपका कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। आज आप जानेंगे कि दोषों को संतुलन करने, कम करने और बढ़ाने वाले कौन कौन से आहार हैं, मतलब कि कौन सा दोष बढ़ा होने पर क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए उचित आहार विहार का बड़ा महत्व है। एक कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के अनुसार आपके भोजन में 6 रस होने चाहिए, तभी यह संतुलित भोजन कहलाता है। रस का यहाँ मतलब है स्वाद से। आयुर्वेद के अनुसार दुनिया में जितने भी तरह के आहार और औषधि हैं, इसी 6 रस में सभी आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 6 रस कौन हैं। यह 6 रस हैं मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमक या नमकीन, कटु यानी कड़वा, तिक्त यानी तीता तीखा और कषाय यानी कि कसैला। यही 6 रस हैं। इनमें से 3 शीतल यानी तासीर में ठंडे और 3 जो हैं उष्ण यानी तासीर में गर्म होते हैं। ठंडे तासीर वाले मधुर, तिक्त और कषाय, जबकि गर्म तासीर वाले कटु, अम्ल और लवण। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि किस तरह के आहार कौन से दोष को बढ़ाते या कम करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वात कम करने और संतुलन या बैलेंस करने वाले आहार के बारे में। वात संशमन और संतुलन करने वाले अनाज हैं, जैसे ज्वार, मक्का, जौ, राई, सरसों, हर तरह की दाल, चना इत्यादि। इनका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए, जबकि गेहूं, चावल, मूंग की दाल का अधिक सेवन कर सकते हैं। वात संशमन और संतुलन करने वाले फल, जैसे चीकू, मीठे बेर, लीची, सेब, अनानास, तरबूज, अंजीर, अंगूर, पपीता, अमरूद, बादाम, आलू बुखारा इत्यादि अधिक सेवन कर सकते हैं, जबकि ड्राई फ्रूट्स, नाशपाती, आम इत्यादि कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। वात का संशमन और संतुलन करने वाले सब्जियों की बात करें तो लौकी, टिंडा, टमाटर, शलजम, भिंडी, चुकंदर, गाजर, खीरा इत्यादि, जबकि फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, सेम, मटर, अंकुरित अनाज, मिर्च मसाला और मूली का सेवन कम से कम करना चाहिए। तेल में तिल का तेल, बादाम का तेल, सोयाबीन का तेल सेवन करना ठीक रहता है। यह सब हो गया विस्तार से। अब जान लेते हैं वात प्रकोप बढ़ाने वाले आहार, जिसे हमेशा याद रखें, विशेषकर वात प्रकृति वाले लोग। वात प्रकोपक या असंतुलक आहार, भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चटपटा भोजन, हर तरह की मिर्च मसाला, रूखा सूखा भोजन, चना, ज्वार, मूंग, कोदो, पालक, मसूर, चना, तीखा, कसैला, कड़वा और उत्तेजक भोजन इत्यादि। आइए अब जानते हैं पित्त का शमन और बैलेंस यानी संतुलन करने वाले आहार। ठंडी तासीर वाले सभी आहार पित्त को कम करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, आहार जो है तासीर में ठंडा होना चाहिए। फ्रिज का आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम ठंडे तो होते हैं, पर मूल रूप से इनकी तासीर ठंडी नहीं होती। पित्त कम करने वाले आहार की बात करें, जिसमें देसी गेहूं, पुराना चावल, नारियल, सेब, अंजीर, मीठे अंगूर, किशमिश, तरबूजा, खरबूजा, केला, पपीता, पत्ता गोभी, साग, चुकंदर, परवल, लौकी, तुरई, टिंडा इत्यादि प्रमुख हैं। तेल में नारियल तेल, जैतून तेल, सूरजमुखी का तेल सेवन करना चाहिए। ताज़ा छाछ, मीठा ठंडा दूध भी पित्त शामक है, यानी पित्त को कम करता है। आइए अब जान लीजिए पित्त प्रकोपक या पित्त दोष बढ़ाने वाले प्रमुख आहार। जिनका पित्त दोष बढ़ा हुआ हो, उनको इन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, जैसे गर्म और उत्तेजक आहार, अंडा, मछली, नॉनवेज, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट, खट्टा, कड़वा और अधिक नमकीन और तेल वाले भोजन। इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए पित्त जिनका बढ़ा हो। अब जानेंगे कफ के बारे में, कफ पर को बढ़ाने वाले, कफ दोष बढ़ाने वाले आहार। कफ का शमन और संतुलन यानी बैलेंस करने वाले आहार, कफ दोष बढ़ा होने पर गर्म तासीर वाले भोजन, गर्म पानी, हल्का
रूखा सूखा आहार लेना चाहिए। कफ को कम और बैलेंस करने वाले आहार यह सब हैं, जैसे जौ, बाजरा, मकई, चना की रोटी, सरसों, फलों में सेब, नाशपाती, अनार, सब्जियों में गाजर, गोभी, लहसुन, प्याज, पत्तेदार सब्जी, पालक, बथुआ, मेथी इत्यादि। कफ दोष बढ़ा होने पर दूध और दूध से बने पदार्थ बहुत कम लेना चाहिए। मिठाई का भी सेवन न करें। मसालों में दालचीनी, मेथी, सौंठ, पीपल, हल्दी, काली मिर्च इत्यादि का सेवन करना चाहिए। ठंडा, खट्टा, मीठा, नमकीन, आलूआबदार पदार्थ कफ प्रकोप को बढ़ाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी आहार के बारे में कि कौन से दोष में कौन सा आहार खाना चाहिए या फिर परहेज करना चाहिए। पर एक बात ज़रूर याद रखिए कि आपका डॉक्टर या वैद्य आपकी बीमारी के बारे में बेहतर जानता है, इसलिए वैद्य जी की सलाह के अनुसार परहेज अवश्य करें। नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी बटन को ज़रूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।